हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे फैन को क्लीन करती हूँ। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का स्टूल है, तो मैंने ये ले लिया है। और यहाँ पे मैंने ये एक वॉशेबल क्लॉथ है जो मैंने बिछा दिया है मेरे बेड पे, कुछ इस तरीके से, ताकि ऊपर से जब मैं क्लीन करूँगी तो नीचे कुछ मेरे बेड पे गिरे नहीं। क्योंकि तो मैं इसे अच्छी तरह से कवर करती हूँ बेड को पर्दे से, या फिर आपके पास जो भी क्लॉथ हो, जो वॉशेबल क्लॉथ हो, इजीली क्लीन करने के लिए अवेलेबल हो वैसे, तो ये मैंने बिछा दिया है। और अब मैं मुंह पे मास्क लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है। तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ जब मैं कोई भी डस्ट के साथ मेरा, यानी डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैं अभी मास्क लगाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ओढ़नी, सम कॉटन ओढ़नी। अप्लाइंग दिस ऑन माई हेड एंड लाइक दिस, क्योंकि मेरे बाल भी ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने कल ही धोए हैं, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से अपने फेस को कवर करने वाली हूँ क्योंकि डस्ट नहीं लगे। और ये कुछ मेरे इस तरीके से मैं कवर करने वाली हूँ खुद को, ताकि यहाँ पे भी कुछ न गिरे मेरे टॉप पे। और अभी क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैं
सो दिस इज हाउ आई क्लीन माई फैन। अब इस पे थोड़ा सा, अगर चाहिए आपको तो साबुन का पानी लगा दीजिए। और यस, आई एम डन माई क्लीनिंग ऑफ फैन। और अभी ये जो नीचे डस्ट गिरा है तो इसे मैं क्लीन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ झाड़ू। इसे बाजू में कर देते हैं और जस्ट। तो ये रूम में क्या है प्रॉब्लम, अगर आप पर्दे लगा के नहीं रखोगे तो ये रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो इस वजह से मैंने अभी ये फ़ैन को भी क्लीन किया है, क्योंकि फ़ैन में भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सब कफ एंड कोल्ड भी मुझे हो जाता है अगर डस्ट आ जाए तो। लाइक अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे धूल लगने के बाद ख़राब हो जाता है, बंद पड़ जाता है लैपटॉप, तो उस तरीके से ही मेरा भी है। तो इसीलिए मैं पूरा ये हमेशा पर्दा लगा के ही रखती हूँ रूम का, सो दैट डस्ट विल नॉट कम इन माई रूम। सो इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप। बाय बाय। दिस इज माई हार्ट बीट सॉन्ग एंड आई एम गोना प्ले इट बीन सो।